हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए इंटरमीडिएट कॉमर्स के आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए साझेदारी चैप्टर का आगे के जैसे गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरिंग ऑफ पार्टनर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें हमने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समाकलन किया है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक नंबर क्वेश्चन है, ख्याति है अस्थाई संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, अदृश्य संपत्ति और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ख्याति एक अस्थाई संपत्ति भी होती है, अमूर्त संपत्ति भी होती है और अदृश्य संपत्ति भी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है, अधिलाभ, निश्चित लाभ, असामान्य लाभ, शुद्ध लाभ। तो जनरल प्रॉफिट पे एवरेज प्रॉफिट का जो एक्सेस होता है उसको अधिलाभ कहते हैं, यानी सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो जो भी व्यवसाय की ख्याति के कारण जो अर्जित होती है जो संपत्ति, उसको हम ख्याति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ख्याति। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्व के मूल्य में कमी से होता है। जब दायित्व के मूल्य में कमी हो जाएगा तो वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, इनमें कोई नहीं। तो जैसे ही दायित्व का मूल्य घटेगा तो इसका मतलब होगा कि वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, व्यय, हानि, आय, इनमें से कोई नहीं। आहरण पर ब्याज का भुगतान किसी साझेदार के द्वारा किया जाता है और इसे संस्था को देते हैं, तो इसीलिए यह फर्म के लिए आय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आय। आगे देखते हैं, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। अभी हमने पीछे देखा था कि दायित्व के मूल्य में कमी हुआ था, अब यहाँ है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। इसमें है वर्तमान साझेदारों के लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान साझेदारों को लाभ। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, इनमें कोई नहीं। तो अगर वैसे देनदारी जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, अगर हम उसको अभी से भुगतान करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वर्तमान साझेदारों को हानि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट या लाभ हानि समायोजन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। त्याग अनुपात सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, प्राप्ति अनुपात माइनस पुराना अनुपात और पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो पूछ रहा है, यानी पहले ज़्यादा और अब कम। तो इसका हो जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो इक्वल टू तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया त्याग अनुपात,
त्याग अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ प्राप्ति पूछ रहा है, यानी अब ज़्यादा मिलेगा और पहले कम मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। चालू खाता है करेंट अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नए साझेदारों के द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग के अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ख्याति की राशि नया साझेदार लाता है उसको पुराने साझेदार त्याग अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि वह अपने लाभ का जिस जिस हिस्से का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं उसी अनुपात में उस ख्याति को बांट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। लाभ हानि समायोजन खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, उसके बाद पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो यहाँ साझेदार के प्रवेश के समय लाभ हानि खाते का शेष दे रहा है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, तो इसको हम जो भी पुराने साझेदार होते हैं उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है, यानी अगर इवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से कम होगा तो क्या होगा? लाभ हानि प्राप्ति और व्यय, तो इसका हो जाएगा लाभ। क्वेश्चन नंबर 15, नए साझेदार के द्वारा नगद लाई गई ख्याति क्या कहलाती है? संपत्ति, लाभ, प्रीमियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी नया साझेदार नगद में ख्याति की राशि लाता है उसको प्रीमियम कहा जाता है। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, बैंक खाते में, बचत खाते में। तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व होता है उन सभी को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पुनर्मूल्यांकन जो हो रहा है वह किस स्थिति में हो रहा है। अगर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो जो भी साझेदार होगा वह सभी वहन करेगा। अगर नया साझेदार आएगा और उस समय अगर पुनर्मूल्यांकन होगा तो क्या होगा कि जो भी पहले से साझेदार होगा बिजनेस में वो वहन करेगा, और अगर मृत्यु या फिर अवकाश ग्रहण की दशा में अगर इवैल्यूएशन होता है संपत्ति का तो जो भी पहले से साझेदार है वो ग्रहण करेगा। तो हमें यहाँ पे देखना होगा किसका दशा क्या है, तो हमने आपको दोनों स्थिति में आंसर बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज दिया जाना चाहिए 5%, 6%, बैंक दर या 8%। तो जो भी पूंजी छोड़ा जाता है संस्था में उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ए, बी और सी 5-3-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है, ये अवकाश ग्रहण करता है, तो गेनिंग रेशियो निकालना है आपको। तो यहाँ पे अगर हमको ओल्डर रेशियो दे देगा और कोई साझेदार या तो डेथ करता है या फिर रिटायर करता है, तो उस स्थिति में जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाता है उसका जो लाभ विभाजन अनुपात होता है वहीं हमारा नया रेशियो भी हो जाता है और गेनिंग रेशियो भी हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि ए अवकाश ग्रहण किया, यानी ए का हट जाएगा 5,
तो इधर बी और सी का बचेगा 3-2, तो वहीं 3-2 का जो अनुपात होगा वह हो जाएगा गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके पिता को, दोस्त को, पत्नी को, निष्पादक या उत्तराधिकारी को। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसी को उसकी देय राशि का भुगतान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्पादक या उत्तराधिकारी। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है, नाम मात्र खाता, व्यक्तिगत खाता, दायित्व खाता, संपत्ति खाता। हम इसका आंसर आपसे चाहते हैं, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस समय तैयार किया जाता है? नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण, या फिर किसी साझेदार की मृत्यु, या इनमें से सभी। तो हम जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इन सभी के समय तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। एक साझेदार की मृत्यु के समय फर्म सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन पॉलिसी के प्रति बीमा कंपनी से डैश पाती है। पॉलिसी राशि, समर्पण मूल्य, उसका मृत साझेदार की पॉलिसी राशि, या फिर सभी साझेदारों का समर्पण मूल्य। तो अगर समय से पहले किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और अगर उस जीवन बीमा पॉलिसी का ड्यू डेट नहीं रहता है तो बीमा कंपनी के द्वारा उसका समर्पण मूल्य का भुगतान किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के पास ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारा ये स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसमें आपको इस तरह का और भी वीडियो देखने को मिलेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।